सो हेलो गाइज, हमने सोचा आपको एक चीज़ और दिखा दें। यहाँ पे ना इन्होंने दिखाया होगा एक सनसेट पॉइंट दिखाया हुआ है ना। बंद कर, एक मिनट बंद कर। सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। नहीं बंद कर पड़ती है। जो पीस, जो कामनेस, मतलब जो शांति आप चाहते हो ना वो मिलेगी यहाँ पे। कि शांति भी क्या बताइए यहाँ आ रही होगी। आपको पता है हम ये वीडियो क्यों कैप्चर कर रहे हैं? क्यों हम डरे हुए हैं। हमारी पट्टी पड़ी है ना 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 ना, एक आल छोटी। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे दगशाई में। ये हिमाचल में दगशाई पड़ता है, कसौली से थोड़ा सा आगे है। और अभी यहाँ पे हम खड़े हैं और एक बूथ है, बेंच बना हुआ है यहाँ पे बैठने के लिए, ठीक है। तो जो भी जितने यहाँ पे पैसेंजर आते होंगे वो रुकते होंगे यहाँ पे शायद, है ना? और उसके लिए बनाया गया। और यहाँ पे आगे पीछे मिलिट्री एरिया है सारा, आगे पीछे आर्मी स्कूल है यहाँ पे पूरा एरिया। और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ना, है ना, ये पूरा मतलब आगे पीछे जंगल ही जंगल है यहाँ पे ना। एक बार अखिल दिखा दो इन सबको कि आगे पीछे का क्या व्यू है। सो अभी 5 मिनट पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी और आप देख सकते हो कि कितना। हाँ, यहाँ पे जो दगशाई में वन ऑफ द, अगर आप हॉन्टेड प्लेस सर्च करते हो या कुछ भी सर्च ऐसा करते हो तो आई थिंक सबसे पहले उसका आता है कि ग्रेवयार्ड। यहाँ से थोड़ा सा कोई 200 मीटर पीछे यहाँ पे एक ग्रेवयार्ड है, वहाँ पे पहले हम खड़े थे तो फोटोशूट वगैरह किया वहाँ पे हमने। तो अभी यहाँ पे आए हुए हैं। वैसे यहाँ पे अभी तो कुछ भी नहीं है, जंगल ही है, सिर्फ यहाँ पे खड़े हुए थे ऐसे ही देखने के लिए कि क्या सिस्टम है। और यहाँ पे बारिश 5 मिनट पहले मैंने बताया है, यहाँ पे बारिश हो रही थी। अभी बारिश बंद हो चुकी है, मौसम बहुत अच्छा टू। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी चल रहा है अप्रैल चल रहा है ना। अप्रैल में अगर एज कम्पेयर करें चंडीगढ़ या यहाँ पे पंजाब वाली साइड पे बहुत गर्मी पड़ रही है, पर यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल डिफरेंट मौसम, बहुत डिफरेंट सा मौसम है। और 5 मिनट पहले बारिश हो रही थी, अभी नहीं हो रही है, अभी फिर से स्टार्ट हो गई है। ऐसे मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, मौसम हवा आ रही है। और दिन में भी शायद यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट ही रहता है, इतना ज्यादा गर्मी नहीं होती है। आप देख सकते हो कितनी से सेक्सी सा मौसम। वो पीछे दिखा अखिल, वो पीछे व्यू कितना, यहाँ पे जंगल है, ऑलमोस्ट जंगल ही है। वहाँ पे नीचे घर है कुछ, वो देखिए कोई हमें दिख भी नहीं रहा आसपास कोई। तो सचिन, हम आपसे मिलते हैं जल्दी, ठीक है। वी आर नॉट ए डेली ब्लॉगर्स, बट हमने सोचा कि अगर जा रहे हैं तो एक आधा ऐसे ही कर लें, थोड़ा रिकॉर्ड कर लें, हो जाए, डाल दे अपने यूट्यूब चैनल पे। आया हमारा अखिलेश भाई का एक चैनल है, जरूर उसको देखें आप, और जरूर देखें। साल में कभी एक बार वीडियो अपलोड हो जाती है, पर इंटरेस्टिंग होती है। हाँ, लास्ट बार हमने की थी गुलाबा में की थी, वो हमने एज ए चैलेंज, वो जम्मू की थी और हिमाचल की है, जम्मू प्लावाला साइड। सो अभी सोच रहे हैं कि हम करेंगे, बाय। सो यहाँ पे इन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है सनसेट पॉइंट का ना। तो सनसेट तो हम शायद अभी देख नहीं सकते, अभी रात बहुत हो चुकी है। और वैसे अगर आपको बताऊं, यहाँ पे इतना मजा आ रहा है ना, और यहाँ पे जो आप वेदर या मौसम देखोगे ना, इतना मजा आ रहा है कि हम बता भी नहीं सकते लेकिन बताने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, बता नहीं सकते। जो पीस, जो कामनेस, मतलब जो शांति आप चाहते हो ना वो मिलेगी यहाँ पे। कि शांति भी क्या बताइए आ रही होगी। कोई पता नहीं अभी भी कोई कैप्चर करके लाया हमें। सचिन की शांति आ रही है। हाँ, सचिन की शांति आ रही है। मेरी बात सुनो, यहाँ से ना, मतलब बताना चाहता हूँ, इतना पीसफुल एरिया ना कि अगर बंदा कोई टाइम स्पेंड करे ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। रात को करे तो और रात और ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये आई थिंक ये लोकल रोड है। और रात को आओगे तो अकेले मत आना, ठीक है, एक दो बंदा साथ में होना चाहिए, नहीं तो बुरी हालत हो सकती है। और यहाँ पे आप देखो पीसफुल एरिया यहाँ पे है ना। और दिन में शायद यहाँ पे थोड़ी, मतलब जो लोकल यहाँ के रहते हैं वो उनका आना जाना मूवमेंट की, लेकिन अभी तो बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। कोई गिने चुने मैंने 2-4 बंदे देखे जो वो भी ऐसे दिखे कि उनको देख के डर लग रहा था। और उनको देख के डर लगा, और उनकी जो गाड़ियां थी उनको और देख के डर लग रहा था। और क्या ही बताया आपको, एक बार आओ यहाँ पे घूमो, ठीक है, एंजॉय करो, ठीक है। आपको पता है हम ये वीडियो क्यों कैप्चर कर रहे हैं? क्यों हम डरे हुए हैं। हमारी पट्टी पड़ी है ना 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 ना, एक आल छोटी, एक आल छुट्टिया हम बताते हैं, एक आल छुट्टिया ना। तो ये देखो, अभी हम लाइव एक्सप्लेन करते हैं, इसने इसने मान साहब ने डंडा निकाला हुआ है क्यों कि कोई कुछ आ जाए तो मेरी अगर कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, पर कुछ भी आपको मतलब किसी को टैकल करने के लिए एक आप होनी चाहिए, एक आधी चीज होनी चाहिए आपके पास यार, है ना? है तो वो हमने रखी है, पर शायद ये जब कुछ ऐसा हो काम ही ना आए जो भाग जाए, जंगलों से भाग जाए। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट से, हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट। अब आपको दिखाएंगे कसौली। अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहे हैं कसौली की तरफ। और वन मोर थिंग कि ये हम ब्लॉग नहीं कर रहे, हम वी आर नॉट अ ब्लॉगर्स, ठीक है? हम बस एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट। पहले वहाँ से हम आए दक्षाई, दक्षाई से अब जाएंगे हम कसौली। वहाँ कसौली का वेदर दिखाएंगे आपको। होप यहाँ तक मेरे को लगता है वहाँ पे बारिश हो रही होगी। सो लेट्स सी कसौली में क्या हो रहा है। सो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आर्मी एरिया बहुत है यहाँ पे, है ना? तो आर्मी का यहाँ पे पूरा कैंट है, आपको हम दिखा दें। ये यहाँ पे पड़ता है, वहाँ पे देखो ये इस तरफ पड़ जाते हैं, आर्मी मेस पड़ जाती है, ऑफिसर मेस यहाँ पे पड़ती है, आर्मी क्वार्टर्स जितने ही हमारे आर्मी वाले भाई हैं उनके क्वार्टर्स यहाँ पे हैं, ठीक है? आर्मी मेस है यहाँ पे, परेड ग्राउंड है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे और यही पड़ जाता है यहाँ पे, मतलब कि जितने भी हमारे ऑफिसर्स की मेस है वो यहाँ पे ही है। और अगर आपको मैं बता दूं, और इस तरफ भी अगर आप फोकस करें तो इस तरफ भी आर्मी का एरिया, इसके ऊपर भी आर्मी का एरिया है ना? और सामने आप देखें आपका रोड का व्यू दिखा दूं आपको एक बार, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे रोड का। एक बार आप एंजॉय करें इस रोड को, है ना? बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, टाइलें वगैरह लग रही है यहाँ पे, है ना? तो आप देख सकते हो। एंड ये देख सकते हैं कितना पीसफुल एरिया है यहाँ पे, कितना पीसफुल रोड है ना? तो मजा आ रहा है यहाँ पे हमें घूमने का। बाकी आप आगे देख ही सकते हो रोड, आपको दिखा रहे हैं हमारे दोस्त प्रणव। और यहाँ पे हर एक जगह छोटे छोटे ऐसे बूथ बने हुए यहाँ पे, है ना? कोई आके स्टे कर सकता है, रुक सकता है यहाँ पे, है ना? अपना टाइम स्पेंड, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता है ना? और बड़े ही प्यारे रोड है यहाँ पे, है ना? अभी यहाँ पे आर्मी स्कूल भी आएगा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्मी स्कूल कौन सा है ना? आप नीचे भी दिखा सकते हैं कि कितना एल्टीट्यूड कितना हाई है यहाँ का, है ना? नीचे घर हैं लोगों के। तो अभी रात है तो अभी रात है तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हम काफी ऊपर। पर बाकी बातें छोड़ के आप रोड पे कंसंट्रेट करें और मतलब देखें कि कितना शांत रोड है। अभी कितना टाइम हो रहा है रात के, अभी बज रहे हैं, है ना? 10:30 हो रहे हैं। और देखो आप, कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और आपको एक क्वेश्चन बताना चाहते हैं यहाँ पे, है ना? कि ड्रिंक एंड ड्राइव करके प्लीज ना ही चलाएं गाड़ी, क्योंकि रोड थोड़ा वैसे ही है ना? तो और आगे पीछे इस तरफ हार्ड है और इस तरफ खाई है। कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी ना चलाएं यहाँ पे। तो इन्होंने बोर्ड भी लगाए हुए हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं कि ऐसे कुछ करके। सील बेल्ट पक्का लगाएं, ये कॉमन सी मिस्टेक होती है जो हम कर देते हैं, लेकिन आप पक्का अपनी सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक ग्रेवयार्ड आता है ना, तो वहाँ हम पहुंच चुके हैं, उस लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं, है ना? ये ग्रेवयार्ड की लोकेशन है। और यहाँ पे भी एक सिटिंग बूथ बना हुआ है, यहाँ पे पैसेंजर आके रुकते हैं, दिन में रात को यहाँ पे रुकते हैं, है ना? और आपको ग्रेवयार्ड, हम वहाँ पे ऊपर जा नहीं सकते, बट आपको यहाँ आके दिखाते हैं, यहाँ से बाहर आके आपको दिखा देते हैं ग्रेवयार्ड का पूरा व्यू दिखा देते हैं आपको, है ना? गाड़ी की लाइट हमने ऑन ही रखी हुई है, तो अगर आप देख सकते हैं। प्रणव एक बार आगे आ जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ऊपर, प्रणव इधर देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऊपर व्यू दिख रहा है आपको जितना भी, ये ग्रेवयार्ड का है ना? यहाँ पे 2-4 केयर टेकर होंगे, केयर टेकर क्या ही होंगे यहाँ पे, वो नहीं मेरे को पता कौन होगा कौन नहीं, बट ये पूरा एरिया ऊपर जितना भी है ग्रेवयार्ड का है। और अगर आप सर्च करोगे दक्षाई ग्रेवयार्ड तो आपको गूगल पे भी दिखेगा, ये फेमस ग्रेवयार्ड है, फेमस ग्रेवयार्ड है। ये लोकेशन देख के यहाँ पे फोटोज खिंचवाए वगैरह तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, फोटोज में बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप अगर बात करते हो लोकेशन की, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है यहाँ पे, है ना? अगर जैसे बात कर रहे थे फोटो क्लिक करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, ये वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। दिन में तो बहुत अच्छे फोटोज आ सकते हैं। आपको दिख ही रहा कितने स्मार्ट लग रहे हैं आइए और यहाँ पे एक फोटो पक्का खिंचाइए, ठीक है। और वही जैसे मैंने पहले बताया, ये हर एक जगह बने हुए सीटिंग पैसेंजर के लिए हर एक चीज मेक इट ग्रीन एंड इट क्लीन। ओके, सो ग्रीन ही रखिए अपने सराउंडिंग को एंड क्लीन ऑफ कोर्स रखिए, और हमेशा जब भी आए यही ध्यान में रखें। ये तो होपफुली आप सब जानते होंगे कि जब भी कुछ आएगा खाने का लेके आए, कुछ भी लेके आए, यहाँ वहाँ ना ही फेंकें तो बेटर है ना। और बाकी आपको दिखाई दिया प्रणव का रोड भी दिखा दिए उस तरफ का, कितना अच्छा कितना ब्यूटीफुल रोड है। और इस तरफ दिखा रहे गाड़ी आ रही है, एक दो घंटे के बाद गाड़ी आ रही है यहाँ पे फाइनली। अभी आपने गाड़ी देखी है यहाँ पे, है ना। और ये पीवी नंबर PV 65 खरड़ की गाड़ी है ये, है ना। तो ये भी हमारे तरफ घूमने आया है, घूमने नहीं आया, इनकी शक्ल वजह से लगा नहीं। चलो एंड दिस वीडियो, सो हम आगे जाके आपको बताएंगे। सो नाउ वी गोना एंड दिस बूम राइट नाउ, या बूम। सो अभी हम आपको दिखा देते हैं जो डगशाई का आर्मी पब्लिक स्कूल है, ये है डगशाई का आर्मी पब्लिक स्कूल। सो अभी हम यहाँ पे खड़े थे, सोचा ये इसका व्यू ले लें आपको दिखा। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्मी स्कूल्स में से एक है, तो बहुत अच्छी लोकेशन में है। और ये यहाँ पे नीचे गया इसका रास्ता, आप रास्ता भी देख सकते हैं। गाड़ी हमारी न्यूट्रली चल रही है यहाँ पे। और सो ये क्वार्टर्स आई थिंक, और ये साइड में क्वार्टर्स हैं यहाँ पे पीछे। प्रणव ने क्वार्टर्स नहीं दिखाए क्योंकि आगे बिजली थी। आप रोड देख सकते हो यहाँ का ना, एंड दिस वीडियो। सो हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो चुकी है यहाँ पे, है ना। रात को पहले हम थोड़ा घूमे, कसौली पहुँचे, तो रात को तो वैसे इतना कुछ था नहीं यहाँ पे, तो थक भी चुके थे। पहले डगशाई गए हुए थे और अभी फिर रात को आके यहाँ के हमने यहाँ पे आके सो गए, और अभी उठे हैं थोड़ी देर पहले। तो अभी बैठे हुए हैं बाहर, थोड़ा धूप का नज़ारा ले रहे हैं यहाँ पे आप। सो जैसे हमने आपको बताया कि सुबह के 8:30 होने वाले हैं। सो हम बाहर धूप थोड़ी सी लेने आए हुए हैं। सो या सचिन, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ, बैठे हुए हैं, ले रहे हैं नज़ारा धूप का। बाकी आपको दिखाएंगे, अभी जाएंगे ऊपर, चर्च भी है, चर्च भी दिखाएंगे आपको। तो अभी थोड़ा फ्रेश फ्रूश होएंगे पहले, तो यहाँ पे बैठे हुए थे पहले। चाय वगैरह पीएंगे। सीधा उठ के हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि अभी मौका बनाने के बाद में हमें याद भूल जाएगा। याद भूल जाएगा, ये कैसी बात कर दी प्रणव। नेक्स्ट स्पॉट पे वीडियो बनाए फिर। अब प्रणव एक्चुअली थोड़ा सा यार डोला उसका आइडिया था मेरा, ठीक ठाक है। चलो नेक्स्ट स्पॉट पे मिलते हैं हम आपको। फोन दिया हुआ है, फोन गिरा पर बच गया। क्यों नहीं हुआ, ये टूट गया, फोन टूट गया पीछे से। फोन टूट गया लेकिन बल नहीं गया फोन का, ये देख सकते हो गाइस। अभी जस्ट गिरा ये और टूट गया, और इसको हमने ना क्या करना, ये आप देख सकते हैं, टूट गया बिल्कुल। बहुत पैसे मान नहीं किया कभी। मान साहब ने कभी मान नहीं किया। चलो ओके, वी विल सी यू इन दी नेक्स्ट स्पॉट। अच्छा ही होगा, तब तक हम थोड़ा सा अपना नहीं होंगे तो हम खुद बना देंगे। इम्प्रोवाइज करके दिखा, मिस्त्री बना हुआ है ये, एक ये बैठा हुआ मिस्त्री बना, खुद बना देंगे सब कुछ बना देंगे खुद। तो तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग करी है मैंने। चलो बाय। अगर हमने ब्रेकफास्ट किया तो हम दिखाते हैं हमने क्या किया, अगर नहीं किया तो हम नहीं दिखाएंगे। तो चाय पियेंगे, वो आपको जरूर दिखाएंगे कप एक। चलो फाइन। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा होटल, यहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था। अगर यहाँ का आपको अगर मैं प्राइस बताऊँ, यहाँ का 5200 का अभी एक रूम पड़ा है हमें, है ना। और पर कॉस्ट यहाँ पे इन्होंने बताई है 5200 की। और अभी तो हम निकले हुए हैं, बस जस्ट बैठे हुए हैं, धूप वगैरह बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो अभी बैठ के मैंने सोचा थोड़ा आपको बता दें हम कहाँ स्टे कर रहे हैं कहाँ नहीं। और ये यहाँ का व्यू है सारा, अगर आपको आगे का दिखाऊं मैं जब और ये लोकेशन है हमारी, लोकेशन है हमारी होटल की। पीछे ये हमारे होटल है, ये होटल का रास्ता है, आपको दिखा दें। वो सामने गेट है अखिल, और दिखाएं सामने गेट है, वो हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जा रहे हैं यहाँ से, ये रास्ता है। तो हमने सोचा अभी निकले हुए हैं, सुबह थोड़ा टहल लें, वॉक कर लें एक छोटी सी। तो वो दिखा दे वो नीचे, अच्छा सा एक्सपीरियंस था। तो अभी आप हमको दिखाते हैं होटल, अच्छा है काफ़ी, है ना। सो हम आपको नेक्स्ट स्पॉट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। और अभी हम जा रहे हैं लवर्स पॉइंट, आगे और भी बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए। मंकी पॉइंट है यहाँ पे, है ना। यहाँ से कहा जाता है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके आए थे, वहाँ उनके पाँव के निशान वहाँ पे दिखे थे। तो अभी हमने पूछा, एक आंटी जी को बता रहे थे सब कुछ। और ये आप अभी देख सकते हैं हमारे हॉकी प्लेयर मेजर ध्यान चंद जी। सो राइट नाउ हम कसौली में हैं। तो यहाँ पे हमें 2 कोर्ट मिले हैं, टेनिस कोर्ट। तो यू कैन सी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आई विश हम खेल पाते यहाँ पे, तो लेकिन नो। सो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, यू कैन सी। ओके, see you on the next spot. So you can see the view, कितना beautiful लग रहा है। How beautiful is this? सो आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, कितना ब्यूटीफुल है एरिया। सचिन प्रणव उनकी हालत बुरी हो गई है, कैसी बुरी हो गई। सो अभी हमने कसौली का थोड़ा सा रास्ता तय किया, आगे पीछे था ये लवर पॉइंट जहाँ से हम आए हैं, ठीक है। अभी ये थोड़े लगे हुए हैं सफाई करने यहाँ पे, ये पूरा नीट एंड क्लीन रहता है 24/7 है, क्योंकि आर्मी एरिया ये सारा, है ना। आगे उधर अगर बात करें, वहाँ पे सीधा वहाँ पे एयरफोर्स का वो है, स्टेशन है, स्टेशन हेडक्वार्टर है एयरफोर्स के। और ये जो है इसका, ये खासियत इसकी, ये जो कैंप आपको दिख रहा है, क्या था ये, गिलबर्ट हाउस कहते हैं इसको, ठीक है। एट दैट टाइम इनसे हमने जो लगे हुए जो काम करने वाले, इनसे पूछा था, इन्होंने बताया कि वो एक अंग्रेज़ था, ठीक है। तो वही यहाँ पे मतलब उसी का शासन चलता था उस टाइम पे। वो अंग्रेज था, वो जनरल अपना हेड था, वो कमांड वही चलाता था, मतलब उसी ने ये सब बनाया होगा वहाँ पे। ये जो डेवलपमेंट जो भी थी इन्होंने की थी। इन्होंने एक और चीज बताई कि आज तक जो रूल्स उसने बनाए थे ना, रूल्स वगैरह जितने भी है, कि अगर कोई गाड़ी आती है यहाँ पे, किसी ऑफिसर की भी गाड़ी आती है, वो भी यहाँ पे हॉर्न नहीं कर सकती, हॉर्न नहीं, मतलब कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पे नहीं कर सकते थे उस टाइम में। और ये सामने है यहाँ पे, एक्चुअली फोटो वगैरह तो ये लेने नहीं देते इतने। तो ये है गिलबर्ट हाउस, और यहाँ पे ऑफिसर रहते हैं इंडियन आर्मी के। सो यू कैन सी यहाँ पे गिलबर्ट हाउस है, मैंने एक फ़ोटो लिया हुआ, तो हम आपको शेयर के बता देंगे। तो या और बाकी हम अभी जा रहे हैं वापस। तो अगर यहाँ से हम जाते हैं मंकी पॉइंट पे, वो आपको दिखाएंगे। अगर अब आपको जाते जाते मंकी पॉइंट भी दिखा देंगे एक बार। हम फिर से वहाँ पे जा रहे हैं, पीछे जो लवर पॉइंट जो कहते हैं, एंड लवर पॉइंट एंड वन मोर पॉइंट, विच पॉइंट, सुसाइडल पॉइंट। सुसाइडल पॉइंट भी है यहाँ पे, हमें पता नहीं है, अभी हम पूछ के चलेंगे, क्योंकि दिस इज अवर फर्स्ट टाइम, सो लेट्स सी। और बाकी आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय गाइस। सो ये रास्ता लवर पॉइंट का, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ही है, अब जा रहे हैं, देखो कैसा है रास्ता। तो मेरे को कुछ खास ना लग इतने वेल एजुकेटेड रास्ते से हम ओके ये वाले रास्ते से आए हैं। रास्ता क्या है, इंग्लिश पढ़ता रास्ता, वो तू तेरा वर्ड है ना, मैंने एजुकेटेड इसलिए बोला मैंने। वो देखिए इतनी ऊंचाई में है कि इतनी ऊंचाई में है कि प्रणव Pranav, you can see. चलो, I'm looking sexy. प्रणव कुछ कहना चाहते हो? कहना चाहता हूँ मैं। ये नहीं मैं कट करना। गफा कटिए तू क्या दसना चाहना है? पढ़े तो नहीं, पढ़ी लिखी ना है। साला जड़ ग्राइंड खिला का खनिया होए। ग्राइंड का कोई ये रहा वो नहीं है मतलब। कोई साला ये ज़्यादा बेल एजुकेटेड हो ये था। साला पैरार पानी नहीं पहुँच देता है। आज तू नहीं फोन देता। ओए प्राय वीडियो तो ले इधर देख 12 रुपया भाई। मुंह में पानी दिख गया। चलो मुंह में पानी दिख गया तू। ना बस कराई थी तन्ना दी। टॉनिक का प्लाना बना। 10 रुपए का अड्डा प्लाना। स्माइल करा वीडियो में कैप्चर किया इंडोर्समेंट नीलामी वैल्यू बढ़ी। यू कैन सी द ब्यूटी, यू कैन सी द ब्यूटी आउट देयर। नहीं तो है You can see the beauty. Turn up, move forward. यार मासो दो